नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और Realme ने इस साल काफ़ी कमाल के स्मार्टफोन्स लॉन्च करे हैं, बट कंपनी का जो सबसे चहीता मॉडल रहा है वो था अनडाउटेडली Realme 6। अब ये फ़ोन जब लॉन्च हुआ था तब ये प्रीमियम सेगमेंट के काफ़ी सारे फीचर्स को मिड रेंज में लेके आया था, जैसे कि इसका 90 हर्ट्ज डिस्प्ले या इसकी 30 वॉट फास्ट वायर चार्जिंग, और इसकी परफॉर्मेंस तो कमाल की थी। और आज जिस फ़ोन की हम बात करने वाले हैं वो है इस फ़ोन का सक्सेसर, जो कि है Realme 7। जी हाँ, ये फ़ोन कंपनी ने हाल ही में इंडिया में लॉन्च करा है और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी एक क्विक अनबॉक्सिंग और मैं आपको बताऊंगा इसके टॉप 20 फीचर्स के बारे में। लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं इस फोन के डिजाइन के बारे में बात करते हुए, और यहां Realme 7 के साथ आपको एक डिफरेंट डिजाइन मिलेगा एज कंपेयर टू अदर फोन्स फ्रॉम द कंपनी। अब मैं काफी टाइम से ये कहता आया हूं कि सारे Realme फोन्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखते हैं, और हालांकि Realme 7 का डिजाइन यूनिक नहीं है, ये ओप्पो के रेनो 4 प्रो के जैसा काफी ज्यादा दिखता है, पर फिर भी Realme के लाइनअप में ये सबसे यूनिक दिखने वाला फोन है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फोन की जो बैक है वो एक मैट फिनिश के साथ आती है, जिसकी वजह से आपको इसको बार बार कपड़े से साफ नहीं करना पड़ेगा, एज इट डजंट शो अ लॉट ऑफ फिंगरप्रिंट्स। और तो और, इस फोन की जो इन हैंड फील है वो भी काफी कमाल की है। हाँ, ये पोको M2 प्रो जैसे ग्लास बैक फोन जितना प्रीमियम नहीं फील करता, पर यह काफी कंफर्टेबल फोन है एक हाथ से यूज करने के लिए, थैंक्स इन पार्ट टू इट्स ग्रिपी बैक एंड कर्वी एजेस। अब दूसरे फीचर की अगर मैं बात करूं तो Realme 7 के साथ आपको एक 2+1 सिम कार्ड स्लॉट जाएगा, जबकि मैक्सिमम फोन इस सेगमेंट में आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट ही देते हैं, तो आप Realme 7 पे दो सिम कार्ड्स तो यूज कर ही पाएंगे एक साथ, बट साथ ही साथ एक मेमोरी कार्ड भी लगा पाओगे टू इंक्रीज इट्स बिल्ट इन स्टोरेज। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन के अगले फीचर की। तो यहां Realme 7 के साथ आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स मिल जाएंगे, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर और इवन एक इलेक्ट्रॉनिक कंपास, जो कुछ मिड रेंज फोन्स जैसे कि मोटरोला का वन फ्यूजन प्लस हो गया उनमें आपको नहीं मिलता। अब इससे आप अपनी ओरिएंटेशन देख पाएंगे गूगल मैप्स जैसी एप्स में, और आपको इससे रास्ते को नेविगेट करने में भी काफी आसानी होगी। Realme 7 में आपको Realme 6 की तरह ही एक साइड माउंटेड कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है पावर बटन में एम्बेडेड, जो कि पलक झपकते ही फोन को अनलॉक कर देता है। अच्छी बात यह है कि आपको इसको दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हल्के से टैप करने पर भी ये आपके फिंगरप्रिंट को रजिस्टर कर लेता है। और तो और, इस फोन के साथ आपको एक बेहतरीन फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम मिल जाएगा, जिसमें लिफ्ट टू वेक फीचर का सपोर्ट भी दिया है बाय द वे। तो अगर आप अपने फोन को बस लिफ्ट करेंगे और अपने चेहरे की तरफ लेके आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसकी डिस्प्ले अनलॉक हो जाता है और फेशियल रिकॉग्निशन ट्रिगर कर देता है। इससे आप काफी सीमलेसली अपने फोन को अनलॉक कर पाएंगे, विच ग्रेट। अब पोर्ट्स और बटन्स की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इस फोन के साथ आपको नीचे की तरफ एक हेडफोन जैक तो मिल ही जाएगा, पर साथ ही साथ एक मोनो स्पीकर भी मिल जाएगा जो काफी धमाकेदार आवाज के साथ आता है, तो मूवीज देखने में या यूट्यूब पे मिस्टर फोन के वीडियोस देखने में आपको काफी मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं Realme 7 के डिस्प्ले की, और यहां आपको Realme 6 की तरह ही एक 6.5 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली LCD स्क्रीन मिल रही है। अब हाँ, ये डिस्प्ले एक AMOLED स्क्रीन के जितना वाइब्रेंट तो नहीं
नहीं होगा, बट इसमें कलर्स काफी एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड हैं और इसके व्यूइंग एंगल्स भी काफी अच्छे थे। अब बेस्ट पार्ट ये है कि ये फोन वाइड वाइन L1 सर्टिफाइड भी है, तो आप नेटफ्लिक्स और Amazon Prime से अपने फेवरेट टीवी शोज HD में देख पाएंगे। Realme 7 के डिस्प्ले की एक और खास बात यह है कि ये 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ आता है इन द सेगमेंट विच इज स्टिल डोमिनेटेड बाई 60Hz स्क्रीन्स। तो एनिमेशंस और UI ट्रांजेक्शंस इस फोन पे काफी स्मूथ लगते हैं और डेली यूजेज में भी वेब पेजेस को या ट्विटर को ब्राउज करने में अलग ही मजा आता है, ऑल थैंक्स टू द फोन्स हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन। अब Realme 7 दिखने में जितना सुंदर है उतना ही ड्यूरेबल भी है। अब अनबॉक्सिंग वीडियो में आपने ये तो देख ही लिया होगा कि इस फोन के साथ आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर और एक प्रोटेक्टिव TPU केस बॉक्स में ही मिल जाता है, पर साथ ही साथ आपको कॉर्ने की गोरिल्ला ग्लास वर्जन 3 की लेयर भी मिलती है डिस्प्ले के ऊपर, विच शुड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्क्रैचेस इवन मोर। और तो और ये फोन स्प्लैश प्रूफ डिजाइन के साथ आता है, तो पानी के हल्के फुल्के छींटे पड़ने से ये खराब नहीं होगा। Realme 7 की USP है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट स्मार्टफोन है टू फीचर MediaTek's ऑल न्यू गेमिंग प्रोसेसर इन द फॉर्म ऑफ हीलियो G95। अब प्रेस ब्रीफिंग में हमें ये बताया था कि ये प्रोसेसर Realme 6 के G90T से भी ज्यादा पावरफुल है, एंड श्योर इनफ एंड्रॉइड स्कोर में ये रिफ्लेक्ट होता है। हाँ, PUBG करंटली इस फोन पे बस HD एंड हाई पे चलता है, बट दैट कुड बी एन ऑप्टिमाइजेशन इशू सिंस दिस इज अ न्यू प्रोसेसर। पर मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक इस फोन के साथ मेरा एक्सपीरियंस अमेजिंग रहा है इन द परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। हालांकि कुछ फोन्स मिड रेंज सेगमेंट में अभी भी EMMC स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं, Realme 7 के साथ आपको फास्टर UFS 2.1 स्टोरेज मिल जाएगी, जिससे इस फोन पे एप्स और गेम्स काफी जल्दी लोड हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस फोन की स्टोरेज एक्सपेंडेबल भी है, विच इज ग्रेट। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं Realme 7 की बैटरी की, और यहाँ कंपनी ने Realme 6 के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी बैटरी दी है और इस फोन के साथ आपको एक 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि आप इस फोन को आराम से पूरा एक दिन यूज़ कर सकते हैं, और मेरी यूजेज में स्क्रीन को 90Hz पे रखने के बावजूद आई वॉज गेटिंग ओवर 6 hours ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम, विच इज़ ग्रेट। सबसे अच्छी बात मुझे Realme की जो नंबर सीरीज है उसकी ये लगती है कि ये फोन्स एक काफ़ी फास्ट चार्जर के साथ आते हैं। अब Realme 7 को ही देख लीजिए और इस फोन के साथ आपको एक 30W की फास्ट चार्जिंग ब्रिक मिलती है, जो इस डिवाइस को पूरी तरह से मात्र 1 घंटा और 15 मिनट में चार्ज कर देती है। सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे Realme 7 लेटेस्ट Android 10 के साथ आता है। अब इस फोन में थोड़ा ब्लोटवेयर तो आपको मिलेगा ही एज इट रन्स कंपनीज Realme UI 2, पर अच्छी बात यह है कि इस सारी की सारी फिजूल की एप्स को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब बेस्ट पार्ट यह है कि इस फोन के साथ आपको जुलाई का गूगल सिक्योरिटी पैच भी मिल जाएगा, विच इज फैंटास्टिक। Realme 7 के साथ आपको एक बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर भी मिलता है, जिससे आप बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप को यूज करें वीडियोज को डिफरेंट रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने PUBG की सपोजिंग मोन्टाज बनानी है, यू कैन डू दैट इजिली ऑन दिस फोन। और तो और इसमें आपको एक बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर भी मिलता है, बट उसे यूज करने से पहले ये जरूर जान लें कि फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो अनाउंस करता है दोनों पार्टीज को इफ अ कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। अब अगर आपके फोन में कुछ पर्सनल फाइल्स हैं जिनको आप किसी और के हाथ नहीं लगने देना चाहते, तो अच्छी बात यह है कि Realme 7 के साथ आपको एक ऐप लॉकर तो मिल ही जाएगा, पर साथ ही साथ एक प्राइवेट सेफ भी मिल जाएगी, जिसमें आप अपनी पर्सनल फोटोज, वीडियोज और डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। अब Realme 7 ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी है कैमरा डिपार्टमेंट में, और हालांकि इसके पीछे के जो असिस्टिंग सेंसर्स हैं वो सेम है Realme 6 जैसे, इस फोन का जो प्राइमरी कैमरा है वो इस बार काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है, एंड इसके साथ आपको मिल जाएगा सोनी का एक 64 मेगापिक्सल IMX682 सेंसर, जो हम ऑलरेडी सैमसंग के गैलेक्सी M31S में देख चुके हैं। अब इस फोन की फोटोज की जो क्वालिटी है उनकी बात मैं और डिटेल में अपने फुल रिव्यू में करूंगा, बट फॉर द टाइम बीइंग हियर आर सम सैंपल्स।
थी और कैमरा की तो हमने बात कर ही ली है, बट मैं आपको ये भी बता दूं कि Realme 7 के साथ आपको एक काफ़ी कंपेलिंग 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है विच क्लिक्स रियली गुड फोटोज़। अब हाँ, हर फोटोज़ में ब्यूटिफिकेशन फीचर्स डिसेबल करने के बाद भी थोड़ी बहुत स्किन स्मूथनिंग तो हो ही रही थी, बट स्टिल द फोटोज़ लुक्ड रियली गुड टू द आईज। एंड अगेन ये रहे कुछ सैम्पल्स। आप अपने फोन पे काफी ज्यादा कॉल्स करते हैं तो फिर मैं आपको बता दूं कि Realme 7 के साथ मुझे एक्सीलेंट नेटवर्क कवरेज मिली थी एयरटेल के पोस्टपेड कनेक्शन पे। और तो और इस फोन के साथ आपको दोनों ही फीचर्स मिल जाते हैं, वॉइस ओवर वाईफाई और वॉइस ओवर LTE, तो फिर आप सीमलेसली अपने डेटा कनेक्शन या वाईफाई कनेक्शन के थ्रू भी कॉल्स कर सकते हैं। Realme 7 के साथ आपको सोनी का लेटेस्ट IMX682 सेंसर तो मिल ही रहा है, बट मैं आपको यह भी बता दूं कि डाउन द लाइन इस फोन का एक अगर आपको फोटोग्राफी एक्सपीरियंस और ज्यादा अपना इंप्रूव करना है इस फोन के साथ तो आपको इसमें गूगल कैम या जी कैम का फुल सपोर्ट Level 3 सपोर्ट मिलता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं Cam2 API ऐप में। तो डाउन द लाइन अगर इस फोन का कोई जी कैम पोर्ट आता है तो रेस्ट अश्योर्ड आपको फोटोग्राफी एक्सपीरियंस और ज्यादा एलिवेट हो जाएगा। अब Realme 7 के साथ आपको एक कार्बन फाइबर कूलिंग सिस्टम भी मिलता है जो इसके हीलियो G95 प्रोसेसर को अच्छे से कूल करके रखेगा ताकि आप सस्टेन्ड वर्कलोड्स पे भी काफ़ी ज़्यादा सपोजिंग लंबे गेमिंग सेशंस के बावजूद भी ये फ़ोन उतना हीट अप नहीं करेगा, विच इज़ अ मस्ट फॉर anyone who wants a phone geared towards performance। दोस्तों ये थी Realme 7 की एक क्विक अनबॉक्सिंग और इसके टॉप 20 फीचर्स। अब इस फोन की प्राइसिंग मेरे को इस वीडियो के बनाते टाइम तो पता नहीं है, बट मैं उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में जरूर अपडेट कर दूंगा। और प्राइसिंग देखने के बाद आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप इस फोन के और कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आप इस फोन का किसी और फोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं, चाहे वो कैमरा कंपैरिजन हो, फुल कंपैरिजन हो या बस परफॉर्मेंस कंपैरिजन हो, टू लेट मी नो ऑल ऑफ दैट इन द कमेंट्स बिलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड जल्दी मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज प्रतीक फ्रॉम मिस्टर फोन साइनिंग ऑफ।